हाय गाइस, तो आज हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है कि आप एक कोई प्लान लेके आइए ताकि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जा सके, क्योंकि ये अंडर थ्रेट है और इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लुप्त प्राय प्रजाति IUCN के द्वारा घोषित किया जा चुका है। और ये कंटिन्यूसली ये अंडर थ्रेट रहा है और आगे भी ये प्रॉब्लम है। अगर हम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये राजस्थान का राजकीय पशु घोषित है, इसलिए राजस्थान सरकार भी ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है। इसको IUCN के द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम IUCN की बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, और आमतौर पे इसे राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, लेकिन ये अदर स्टेट में भी पाया जा सकता है। लेकिन जनरली आमतौर पर इन दो स्टेट्स में, राज्यों में अधिक मात्रा में, दो राज्यों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसका हम थ्रेट की बात करें तो किस किस चीज़ों से इसको थ्रेट हो रहा है, खतरा हो रहा है, तो जनरली जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इनका इलेक्ट्रिक्यूशन हो रहा है और इनकी डेथ हो रही है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, सरकार भी इस चीज़ को मान चुकी है। तो इसके संबंध में सरकार देख रही है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। साथ में हंटिंग शिकार जो है, ये भी एक मेजर इशू है, ये हमेशा से रहा है। हंटिंग जो है, ये जो हंटिंग है, शिकार है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ही नहीं, अदर स्पीशीज के लिए भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर एक और मेजर जो इशू है, थ्रेट जो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, चूंकि एग्रीकल्चर रेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से जो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब ये जहाँ रह रहे हैं, ये जो जगह है, ये एग्रीकल्चर या अदर यूज के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं, और इस उपयोग से जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जो पहले इनको ओपन फील्ड मिल जाता था टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं। अगर हम IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और जो इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर हम फ्लैगशिप, चूंकि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को फ्लैगशिप स्पीसीज के अंदर रखा गया है, तो हम फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो भी स्पीसीज, बर्ड, एनीथिंग, एनीवन, वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर वो लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर आते हैं, तो उनको फ्लैगशिप स्पीसीज कंसिडर किया जाता है। फ्लैगशिप स्पीसीज कंसिडर करने के पीछे रीजन ये होता है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसकी संरक्षण किया जा सकते हैं, इन भविष्य में इसका संरक्षण किया जा सके, और लोगों का अटेंशन जो है, आकर्षण जो है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाया जा सके कि ये जो पार्टिकुलर स्पीसीज है, बर्ड है, एनिमल, वॉट एवर, ये अंडर थ्रेट है, और हमें विद सरकार के सहयोग से हमें इस स्पीसीज, एनिमल, वॉट एवर को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज के क्राइटेरिया की बात करें, जो कि IUCN के द्वारा दिया गया है, इसमें फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका इसका जो पॉपुलेशन है, अराउंड 90%, 90% कम होना चाहिए इन द लास्ट 10 ईयर, 10 सालों में इसका 90% पॉपुलेशन कम होना चाहिए, और तीन जनरेशन में इसका कम होना चाहिए। इसको अक्रॉस जो भी अक्रॉस जियोग्राफिक लोकेशन, इसकी पॉपुलेशन में कमी आनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर स्टेट में ऐसा हो रहा है तो हम इसको क्रिटिकली इंडेंजर घोषित कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पूरे लोकेशन में, अक्रॉस द जियोग्राफी लोकेशन, हर स्टेट में, हर कंट्रीज में इसकी पॉपुलेशन अंडर थ्रेट होना चाहिए। अगर इसके अराउंड 250, 250 इंडिविजुअल लेफ्ट होते हैं, तो एक ये भी एक पॉइंट होता है टू कैटेगराइज एज क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज। साथ में उनका जो पॉपुलेशन होना चाहिए less than 50 मेच्योर इंडिविजुअल, उसकी जो पॉपुलेशन हो जो जो मेच्योर पॉपुलेशन होना चाहिए वो less than 50 होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए।
और ये एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो वाइल्ड है मतलब जंगल में जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे यहाँ उनका एक्सटिंक्शन लुप्त होने का खतरा हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।